फ्रेंड्स, शाम का वक्त है, दिवाली की सफाई भी चल रही है और नवरात्रे भी हैं फ्रेंड्स। सारा सामान, ओह माय गॉड, ऐसे रख दिया। ये सब बेड वगैरह सब धूप लगाने के लिए रखे थे फ्रेंड्स, आज तो इनको अंदर नहीं रखेंगे हम, ये सब ऐसे ही रहेंगे बाहर। ये देखिए, और अंदर का हाल भी दिखा, अंदर कैसा हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बेड के अंदर के सारे कपड़े, इधर ड्रेसिंग टेबल इधर रखा है, इधर भी सामान रखा है, सब बेड के अंदर का सामान ना हमने ऐसे ही निकाल के रखा हो फ्रेंड्स। ये देखिए, सुबह से इसी काम में लगे हुए थे क्योंकि दीमक ने ना वो दीवार पे भी खराब कर दिया था हमारा, इसलिए हमने सारा ही हटा दिया यहाँ से सामान। अब आएगी रखने में इसको बहुत आफत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवदृष्टि ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स। हम भी बढ़िया है, एकदम मजे में। तो ब्लॉग की शुरुआत तो वैसे मैंने कल ही कर दी थी फ्रेंड्स, कि कल घर में ना छुट्टी थी, दिवाली का सफाई चल रही थी, सारा बेड बेड निकाला था। तो आज है पहला नवरात्रा, आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो माता रानी आपकी रक्षा करे, आपका ये आने वाला साल मंगलमय हो। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ आज के ब्लॉग की। और ब्लॉग की शुरुआत फ्रेंड्स, मेरा फेवरेट प्लेस किचन। मेरा क्या, हर लेडीज़ का फेवरेट प्लेस हो या ना हो, मिलते तो हम यही है फ्रेंड्स। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ। आज कर रही हूँ मैं पूजा की तैयारी। तो देखिए, मैंने बर्तन वगैरह सब साफ कर लिए हैं, ये तैयार कर दिया है, इधर ये लोटा और पान सुपारी निकाल दी है। अभी धीरे धीरे मैं और सामान निकालूंगी और मंदिर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने मंदिर साफ कर दिया है, यह है मेरा मंदिर फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर में कलश की स्थापना करूंगी और सारा कुछ फिर से जमाऊंगी यहाँ पे फ्रेंड्स। और इस बार ना फ्रेंड्स, मुझे ये एपड़ भी देने हैं। तो ये सब रेड करने के बाद फिर से दोबारा से इसे वाइट से एपड़ दिया जाएगा। और ये देखिए, मैंने कल ही साफ कर दिया था, बस अभी अब बाकी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के ये कर देंगे। चलिए पत्ते फ्रेंड्स, शाम के पत्ते लेने जाती हूँ और निकलना भी मुश्किल है। और यहाँ है आम का पेड़। तो तैयार ने भी झुंड लगा रखा भाई। ये फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं मंदिर में और पहले मंदिर में करते हैं सफाई तो हो गई है, एक बार को टुकड़ा मार देंगे गंगा जी छिड़क के और उसके बाद कलश की स्थापना कर। तो सारा कुछ तैयार हो चुका है, चलिए अब करते हैं अपना काम। Thank you.
कलश की स्थापना में प्रेमी सुमरिया डालती है सुपारी और लौंग और एक सिक्का। दूसरे में डाल दिया मैंने, तो ये डाल दिया सिक्का, साथ में डालेंगे मिश्री। चलिए जी, अब मैं सती का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सुबह सुबह आपको ये क्या चढ़ गया पुनु है? चलो नहाओ धो, पूजा करोगे यार नवरात्रि। अभी यहाँ के लिए वो बनाना है, वो बनानी है आम के पत्तों की माला, आप बनाओगे? आम नहीं बनाने, आम के पत्ते है? पत्ते मैं लाई हूँ ताऊ जी की क्यारी से। आम के पत्ते चाहिए, आम कहाँ से आएंगे इस सीजन में? मत करो मत करो मैम। रथ है तेरा? रथ है? उठो फिर नहाओ दो बेटा, 10-11 बजे निकल जाएंगे फिर। फ्रेंड्स, जल वगैरह भी चढ़ा दिया मैंने और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप आ रही है बहुत तेज। कल हमने ये बेड वगैरह ना अंदर नहीं रखा था, मैंने शाम को दिखाया था आपको, अभी ना ये फिर इसमें दवाई डाल के फिर धूप में रख देंगे फ्रेंड्स, और फिर आज डालेंगे इनको अंदर। यहाँ पे भी वस्त्र भंडार लगा हुआ है, बुध बाजार की सेल लग रही है भाई, जिस किसी को भी चाहिए कपड़े आ जाओ ले जाओ। हम भी झाड़ता है सब काम कर, ए गंदी बात। आज मम्मा का व्रत है ना, तो मेरा बच्चा हेल्प कर रहा है मेरी, क्योंकि इसी का व्रत नहीं है और बाकी सबका व्रत है। वो पत्तों को कर लात मारना पड़ेगा, बोल पत्ते उड़ रहे। देखो कितना काम करता है फ्रेंड्स मेरा बच्चा, देखिए। ओ भाई, ए भाई साहब, ओ तेरी, ओ तेरी आयु समझ के तो नहीं कूट रहा तू इसको? थप्पड़ आपको हो गया किसी का नहीं है।